In this question, a wheel with fine teeth is attached to the end of a spring with constant K and unstretched length L as shown. For x greater than L, the wheel slips freely on the surface, that means there is no friction. But for x less than L, the teeth mess with the teeth on the ground so that it cannot slip. So here it is not slipping and here it is slipping without friction. The wheel has a mass capital M and radius capital R. Assume that all the mass of the wheel is in its rim. Iska matlab ek ring ki tarah hai aur sara mass jaise ring mein hota hai waise hi iska mass distributed hai. The wheel is pulled to x is equal to l plus b. That means initial extension in the wheel or rim is equal to b and released. How close will it come to the wall on its first trip? तो अपनी पहले ट्रिप में ये वॉल के कितना नज़दीक आ जाएगा, यानी कि इसमें अगर मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लिया जाए तो उसका आंसर मिल सकता है. हाउ फार आउट विल इट गो एज इट लिप्स द वॉल, व्हाट हैपेंस व्हेन द व्हील नेक्स्ट हिट्स द गियर ट्रैक. तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो इसमें कई सारे स्टेजेस हैं, तो उन स्टेजेस को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ. तो दिस इज स्टेज नंबर वन जब इसको रिलीज किया गया था यहाँ से. उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है, तो नेक्स्ट स्टेज में मैं इसको उस लोकेशन पर दिखा रहा हूँ जब इसने टीथ को जस्ट ये हिट करने वाला है, जस्ट इट इज़ अबाउट टू हिट द टीथ, अबाउट टू हिट. अगले स्टेज में भी ऑलमोस्ट ये वहीं पर है और ये हिट कर चुका है. जस्ट आफ्टर हिट, this is stage number 3. और उसके बाद में यहाँ कहीं जा कर के ये रुक गया है और ये प्योर रोलिंग जैसा मोशन कर रहा है. इट इज मैक्सिमम कंप्रेशन. फिर उसके बाद ये अगेन मूव करना स्टार्ट कर देता है और जस्ट ये टीथ को लीव करने वाला है. दिस इज 4, दिस इज 5. और उसके बाद जो अगला स्टेज है कि बिल्कुल ये एंड पर पहुंच गया आगे फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर और ये रुक गया और उसके बाद ये वापस आना चाहता है. इनको डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे. जस्ट मैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस यहाँ बना देता हूँ जिससे कि ये आसान हो जाए हमारे लिए. और जब यहाँ पर ये टीथ को स्ट्राइक करने वाला है, दिस इज स्टेज नंबर 7. अबाउट टू स्ट्राइक अगेन, वापस आने वाला है. यहाँ पर ये स्टॉप. तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है और स्टार्टिंग में जो इसके पास में एनर्जी है वो एनर्जी इस सिस्टम के पास में स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में है और इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं. तो अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी इनिशियल दिस विल बी हाफ के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, हाफ के बी स्क्वायर. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इनिशियली. और उसके बाद ये इधर की तरफ मूव करता जा रहा है और जस्ट ये हिट करने वाला है. लेकिन जब ये इधर चल रहा है तो उस टाइम पे सिर्फ लीनियर स्पीड रहेगी इसके पास, ओनली इट विल हैव लीनियर स्पीड. कोई एंगुलर वेलोसिटी जनरेट नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और जो भी फोर्स लग रहा है वो सेंटर से पास कर रहा है. तो इसके सेंटर के पास सपोज एक वेलोसिटी है जिसको मैं वी के इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ. और जैसे ही इसने हिट किया, तो हिट करने के बाद एक इस पर एक इम्पल्स लगेगा जो कि एक एंगुलर इम्पल्स भी जनरेट करेगा और तुरंत ये प्योर रोलिंग में आ जाता है. वी विल अज्यूम कि जैसे हिट किया, हिट करने के बाद में इम्पल्सेस लगे और इम्पल्स ये प्योर रोलिंग में आ गया. और प्योर रोलिंग के बाद इसके जो वेलोसिटी है सपोज वो वी डेस हो जाती है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है ओमेगा डेस. और ये जो ओमेगा डेस होगा, दिस विल बी इक्वल टू वी डेस बाई आर. तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना होना चाहिए जस्ट आफ्टर हिट. और इसके लिए जो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है
जो जहाँ पे इसने हिट किया है, तो उस हिट करने वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि सारे इम्पल्सेस वहीं से पास होंगे, तो उस पॉइंट के अबाउट मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि इम्पल्सेस आ रहे हैं, और जो कोलिजन है डेफिनेटली वो कुछ इनइलास्टिक टाइप की कोलिजन है क्योंकि उसके अबाउट वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो इनइलास्टिक टाइप की कोलिजन यहाँ पर होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कंसेप्ट यूज़ किया जा सकता है। तो आई एम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अबाउट द पॉइंट ऑफ हिट, ठीक है, जिस पॉइंट पे उसने टीथ को हिट किया उसके अबाउट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनली एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये एक तरीके से इसका प्योर रोटेशन टाइप का है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन भी है, तो डायरेक्टली मैं फाइनल लिखने के लिए कुछ ऐसे जा सकता हूँ, आई अबाउट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैस। एल इनिशियल तो उसमें ओनली ट्रांसलेशनल है, तो एल इनिशियल में दैट इज ओनली ट्रांसलेशनल और ये हो जाएगा एम बी इंटू आर। आई अबाउट दिस पी, तो ये हो जाएगा सेंटर के अबाउट जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और फिर एम आर स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ओमेगा डैस इज वी डैस बाई आर। तो यहाँ से ये देखा जा सकता है कि आर कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा और जो वी डैस है वो वी बाई टू के बराबर आ जाएगा। अगर मैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस कंसेप्ट यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ कि ट्रांसलेशन की वजह से एम वी डैस आर और रोटेशन की वजह से आई सी एम इंटू ओमेगा, तो आई सी एम हो जाता है एम आर स्क्वायर और ओमेगा जो है वो वी डैस बाई आर के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू इनिशियल एम वी आर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एम वी डैस आर और ये भी एम वी डैस आर, ट्वाइस एम वी डैस आर हो जाएगा और वी डैस वी कैन ऑल्सो फाइंड वी बाई टू। तो हिट करने के बाद हमने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वी बाई टू के इक्वल हो गई और जो ओमेगा डैस है वो वी डैस बाई आर दैट इज़ वी बाई टू आर। अब इसके बाद में जब ये यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा तो आगे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी एनर्जी है कितनी अब यहाँ पर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी फाइनल, फाइनल का मतलब है कि जब ये हिट कर चुका है तो उसके बाद में इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, तो हाफ और इंस्टेंटेनियस एक्सेस के अबाउट जो आई है वो टू एम आर स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज वी बाई टू आर, देन इट विल बिकम दिस टू एंड टू विल बी कैंसल्ड, इट विल बी वन बाई फोर एम बी स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी इनिशियल थी, तो टोटल एनर्जी इनिशियल वॉज हाफ के बी स्क्वायर जब इसने स्टार्ट किया था, और जब ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा था, जस्ट ये हिट करने वाला था, तो स्प्रिंग की सारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी और वो ख़त्म होकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इस इनिशियल एनर्जी को आप वी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, दिस इज़ दी इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एनर्जी है वो 1 बाई फोर एम वी स्क्वायर हो गई, तो इसका मतलब देर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, तो जो भी इनिशियल था उसकी अभी हाफ रह गई जस्ट। लेकिन जब ये प्योर रोलिंग करता हुआ अब आगे बढ़ेगा इस पर, तो अब कोई एनर्जी में किसी तरीके का लॉस नहीं आएगा। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पर कम्प्लीटली रुक जाएगा इसकी वेलोसिटी, इसका ओमेगा, एवरी थिंग विल बिकम ज़ीरो, तो इट विल कम्प्लीटली कम टू अ स्टॉप। तो इसका मतलब जो भी ये एनर्जी है यहाँ पर, वो एनर्जी कम्प्लीटली यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो नाउ दिस 1/4 एम वी स्क्वायर इज कन्वर्टेड इन टू द स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम बी के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें तो दिस हाफ एम वी स्क्वायर इज हाफ के वी स्क्वायर एंड 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 के वी स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ बी वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू बी बाई रूट टू।
तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो मैक्सिमम कंप्रेशन बी बाई रूट टू के इक्वल हो जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि ये वॉल के कितना नज़दीक आया। तो वॉल के कितना नज़दीक आया उसका जो आंसर होगा वो ये कि इसमें जो कंप्रेशन है वो बी बाई रूट टू है, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो एल माइनस बी बाई रूट टू हो जाएगी और वॉल के इतना नज़दीक आ जाएगा एल माइनस बी बाई रूट टू के इक्वल। अब इसके बाद में आगे के पार्ट्स हमें कैलकुलेट करने हैं कि हाउ फार विल इट गो एज इट लिव्स द वॉल, कितना दूर जाके रुकेगा जब ये वॉल को छोड़ के वापस जाएगा, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द व्हील नेक्स्ट हिट्स द गियर ट्रैक, वापस से आकर के अगर वो ट्रैक को हिट करता है तो किस तरीके से हिट करता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताना है। तो यहाँ पे एक बार रुकने के बाद में, इतना कंप्रेशन जनरेट करने के बाद में, ये जो व्हील है ये व्हील अगेन चलना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। यहाँ पे प्योर रोलिंग करता हुआ ये जस्ट यहाँ पर इसको लीव करने की कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर लीव करने की कंडीशन में आ जाएगा तो स्प्रिंग एनर्जी जो है वो वापस से चली जाएगी, और स्प्रिंग एनर्जी चली जाएगी और अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अभी स्प्रिंग में कोई यहाँ पर स्ट्रेच नहीं है। तो जो फाइव वाली कंडीशन है उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी अभी भी इसी के बराबर होगी, 1/4 mv². और अब ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी यहाँ पे फाइव वाली सिचुएशन में, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब ये यहाँ पर आएगा फाइव वाली सिचुएशन में तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी और जो ओमेगा होंगे वो एग्जैक्टली उसी तरीके के होंगे जब ये इधर से जा रहा था, जब ओमेगा डैश वी डैश, तो इसको आप ओमेगा डैश वी डैश लिख सकते हो वापस से, तो इसके पास में वही ओमेगा डैश और वी डैश है अभी, और एनर्जी इसकी है टोटल 1/4 mv². अब जब यहाँ से ये उतरेगा वापस, तो उतरने के बाद में अब इसको एक फ्रिक्शन लेस सर्फेस मिलेगी, फ्रिक्शन लेस सर्फेस होने की वजह से कोई टॉर्क अब इस पर नहीं आएगा, तो 5 से 6 की जो जर्नी है इस जर्नी में स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वीडस है वो वी बाई टू से ज़ीरो हो जाएगा, यानी उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशन मोशन ख़त्म हो जाएगा लेकिन रोटेशनल मोशन रहेगा इसके पास में। तो फाइनली जब ये रुक जाएगा सिक्स पे तो रोटेशनल मोशन रहेगा, और रोटेशनल मोशन इस सेंस में रहेगा ओमेगा डैस। तो अब सवाल उठता है कि कहाँ पे जाके रुकेगा ये, तो उस टाइम पे जो एक्सटेंशन है वो कितना होगा। तो इसके पास वेलोसिटी थी वी बाई टू, तो इसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और ये जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए स्प्रिंग एनर्जी में, तो 1/2 kx². और अगर मैं इसे बी के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहूँ वापस से, तो बी के टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए तो इसको मैं एक्स डैश बोल देता हूँ यहाँ पर, दिस इज 1/2 kx², जो आपका 1/2 mv² है वो 1/2 kb² के इक्वल है। तो एक बार देख लेते हैं कितना आता है, तो 1/2 mv² × 1/8, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इट इज़ 1/2 kx². सो इट इज 1/2 mv², इट इज़ 1/4, एंड दिस 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kb², सो दिस इज 1/2 kb² × 1/4, दिस इज 1/2 kx². दिस k/2 एंड k/2 विल बी कैंसल्ड एंड दिस x डैश इज इक्वल टू b/2। Now this maximum extension is not b/√2. Now this is maximum compression was b/√2, but this maximum extension is b/2, and b/2 is less than that b/√2. Because जो इसके पास जो rotational kinetic energy थी वो तो गई नहीं, वो तो as it is रही, लेकिन सिर्फ जो loss हुआ only translation kinetic energy का यहाँ पर loss हुआ, इसके वजह से जो extension generate हुआ है वो उतना generate नहीं हुआ जितना compression generate हुआ था। अब क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस पुल करके लेकर के आएगा और ये अगेन गियर के पास पहुँच जाएगा। जब ये गियर के पास पहुँचेगा तो जो स्प्रिंग एनर्जी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन ओमेगा अभी उसी सेंस में रहेगा, ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इट विल बी
V dash by R and V by 2R. वेलोसिटी का सेंस बदल जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज उतनी होनी चाहिए जिससे कि काइनेटिक एनर्जी वही मेंटेन हो जाए जो पहले थी. तो जो वेलोसिटी है वही वी बाई टू आर के बराबर ही हो जाएगी यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन. तो इसका कोलिजन होगा टीथ के साथ, और कोलिजन होने के बाद ही प्योर रोलिंग करने लगेगा. तो अगेन मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है. लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस टाइम पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम कुछ इतना आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ कर लेता हूँ तो इस पॉइंट के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम होगा ट्रांसलेशन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा और रोटेशन की वजह से क्लॉकवाइज. तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कितना होगा, तो एम वी बाई टू आर इन टू आर, सॉरी इट इज़ वी बाई टू. तो एम वी बाई टू इन टू आर, आई एम टेकिंग दिस एज पॉजिटिव सो दिस विल बी नेगेटिव. दिस इज आई सी एम इन टू ओमेगा, तो आई सी एम इज एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा इज वी बाई टू आर. These are and these are cancelled. It is mvr by 2 and this is also mvr by 2 and this will be 0. तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो हो चुका है यहाँ पर. और अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया तो जस्ट आफ्टर कोलिजन भी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा. इसका मतलब है कि इट विल कम्प्लीटली बी एट रेस्ट, इट विल कम टू अ कम्प्लीट रेस्ट, कम्प्लीट एंड फाइनल रेस्ट. तो कम्प्लीटली फाइनली यहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगा. इसके बाद से कोई मोमेंट नहीं होगा. तो उस टीथ के पास आ करके जस्ट यहाँ पर ये जैसे ही कोलिजन होगा उसके बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि कोलिजन होने के बाद में आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, ये इसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए और ओमेगा जीरो होगा और डेट्स वाई वी भी जीरो होगा. तो कोलिजन के तुरंत बाद फिर यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि इसका नेट एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के